हम डिस्कस करेंगे रिलेशन के बारे में. लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि कैसे हम चैप्टर के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन बनेंगे, रिलेशन से फंक्शन बनेगा. तो हम डिस्कस करते हैं कि रिलेशन, रिलेशन का नाम से मतलब है कि किसका किसके साथ रिलेशन है. जैसे मैंने कहा कि कोई दो पर्सन है, वो उसका ब्रदर है, वो उसकी सिस्टर है, तो यहाँ से क्या मतलब है कि दो पर्सन का आपस में क्या क्या रिलेशन है, मतलब किसका किसके साथ किस टाइप का रिलेशन है, वो किसमें आएगा, रिलेशन के अंदर आएगा. तो यहाँ पे मैंने कहा किसका किसके साथ रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या बदलेगा, दो एलिमेंट का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, दो पर्सन का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, मतलब कम से कम दो पर्सन हो सकते हैं, दो से ज्यादा कम हो सकते हैं. तो रिलेशन क्या होगा, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के बाद डेफिनेशन रीड करेंगे, फिर डेफिनेशन को उस एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे. जैसे मैंने ए सेट लिया, ए सेट के अंदर मैंने लिया ए कोमा बी कोमा सी, और बी सेट के अंदर मैंने नाम ले लिए अली बिनी और चंपू दिव्या, और यहां से ये मैंने एलिमेंट ले लिए. अब यहाँ पे मुझे इसका रिलेशन बनाना है. अगर वो रिलेशन कैसे बनेगा, मैंने यहाँ पे रिलेशन लिखा, रिलेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा, रिलेशन कैसे बनाना है, ए कोमा बी सच दैट ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ बी, ए क्या है फर्स्ट लेटर किसका, बी का, और ए किसे बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल ए से, बी किसे बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल बी से. जो ए है वो हमारे पास क्या है फर्स्ट लेटर किसका, बी का. अब क्या मीनिंग है, ये तो क्वेश्चन में हमारे पास रिलेशन गिवन होगा. अब देखो रिलेशन क्या गिवन है, ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ बी, मतलब सबसे पहले वो नंबर आए, वो लेटर आएगा जिसका इसी के साथ रिलेशन है. ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ बी, बी क्या हमारे पास अली, अली का फर्स्ट लेटर क्या है ए, तो ए का ए के साथ रिलेशन बना. क्या कोई ऐसा नेम और है जो ए से स्टार्ट हो रहा है, नहीं है, तो ए का किसी और के साथ रिलेशन नहीं बनेगा. फिर क्या है बी कोमा बिन्नी, तो बी का बी के साथ रिलेशन है इसलिए बी कोमा बिन्नी आया. फिर सी का किसके साथ रिलेशन है, चंपू के साथ, तो क्या आएगा सी कोमा चंपू. यहाँ से क्या पता चलेगा कि सी का इस नेम का रिलेशन जो फर्स्ट लेटर है उसके साथ है, सी के साथ है. मतलब इसमें क्या बताया था कि फर्स्ट उस नेम का फर्स्ट लेटर किसके साथ आना चाहिए, उस अल्फाबेट के साथ आना चाहिए. जैसे यहाँ पे देखते हैं नेम का फर्स्ट लेटर के ए है तो ए है, नेम का सेकंड लेटर के बी तो बी है, नेम का थर्ड लेटर के बी सी तो सी है. मतलब यहाँ से हमारे पास रिलेशन गिवन होगा, फिर उस रिलेशन को मुझे राइट करना है इसके अंदर. ये तो होती फोसी फॉर्म, सेडिमेंटर फॉर्म, और नीचे वाली फोसी फॉर्म है हमारी रोस्टर फॉर्म. अभी हम आप इसको डिस्कस करेंगे. अगर इस रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज ड्राइव फ्रॉम द, रिलेशन इज सबसेट, रिलेशन सबसेट है इज ड्राइव, रिलेशन इज सबसेट इज ड्राइव फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास ए एंड बी. अब इसको दोबारा रीड करेंगे फिर समझ में आएगा. द सबसेट इज डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. क्या मैंने इसको दोबारा समझते हैं कि जो ए एक रिलेशन है सबसेट, मतलब रिलेशन कहां से बनेगा, सबसेट से बनेगा, और सबसेट कहां से बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट से. तो इसलिए मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सबसेट बताया, कार्टेशियन प्रोडक्ट की सेकंड चैप्टर बताया. क्या मीनिंग है, रिलेशन इज सबसेट इज ड्राइव फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी. जैसे हम चेक कर सकते हैं कि दोनों के दोनों कौन से सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है. अब वो रिलेशन किससे बनेगा, सबसेट से बनेगा. तो यहाँ पे सबसेट क्या है, ये मैंने ये हमारे पास सबसेट लिखा ए कोमा अली बी कोमा बिनी, जो भी ऊपर है हमारे पास सबसेट, और ये सबसेट क्या बता रहा है कि इन दोनों का आपस में क्या क्या रिलेशन है. मतलब इस सबसेट ने क्या बताया कि इन दोनों का आपस में क्या क्या रिलेशन है. जैसे यहाँ पे क्या रिलेशन था, ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ सेट बी, जो ए है वो फर्स्ट लेटर होगा किसका, बी का. वही लिखा हुआ है कि जो ए रिलेशन है एक सबसेट है इसका, दो नॉन एम्प्टी सेट का ए और बी का, और वो सबसेट क्या बताएगा कि ए और बी का आपस में क्या क्या रिलेशन है. वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी हमारे पास रिलेशन होगा वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ए मैंने ले लिया इसके अंदर वन टू थ्री, और बी ले लिया मैंने
4, 5, 6. अब मैंने रिलेशन यहां से हमारे पास मान लो हमारे पास रिलेशन गिवन है a कॉमा b सच दैट a लेस देन b. जो a की वैल्यू वो b से छोटी है और जो a है वो किससे बिलोंग करता है, a से b किससे बिलोंग करता है, b से. ये हमारे पास रिलेशन गिवन है. दोबारा पढ़ते हैं फिर रिलेशन. एक रिलेशन बनाना है जो किससे बनेगा, सबसेट से बनेगा. मतलब पहले सबसेट बनेगा वो किससे बनेगा, पार्टी से प्रोडक्ट से. मतलब मुझे ये पता लग गया कि जितने भी रिलेशन बन रहे हैं वो सारे के सारे कहां से बन रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स. मतलब पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट आएंगे, फिर रिलेशन आए, फिर रिलेशन आएगा, रिलेशन के बाद फंक्शन आएगा. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से बन रहे हैं. अब जो हमारे पास सबसेट बनेगा वो सबसेट क्या बताएगा कि इन दोनों का आपस में क्या क्या रिलेशन है. तो क्या रिलेशन है, ए छोटे किससे, बी से. तो क्या आएगा, क्या 1, 1, 4, क्योंकि हमें पता है कि 1, 4 से छोटा है. फिर क्या आएगा, 1, 5, 1, 5 से छोटा है. फिर क्या आएगा, 1, 6, 1, 6 से छोटा है. 2, 4, 2, 4 से छोटा है. 2, 5, 2, 5 से छोटा है. 2, 6, 2, 6 से छोटा है. फिर क्या आएगा, 3, 4, 3, 4 से छोटा है. 3, 5, 3, 5 से छोटा है. 3, 6, 3, 6 से छोटा है. मतलब ये हमारे पास कहीं लेते हैं रिलेशन के गुण होगा, उस रिलेशन को मुझे सबसेट के फॉर्म में राइट करना.